हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ये जो सब स्टेशन लगा है 33 केवीए का है और 11 केवी सप्लाई यहाँ पे आ रही है। थोड़ा पास में जाओ। ये हमारा 33 केवीए का मेन इनकमर है और ये 6 एमवीए का ट्रांसफार्मर इससे कनेक्ट है। 6 एमवीए मतलब 6000 केवीए का, 6 एमवीए मतलब 6000 केवीए, केवीए में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा इनकमर है, ये इंडिकेटर लगे हुए हैं, इधर देखो ये सप्लाई हमारी तीनों फेस में आ रही है, नहीं आ रही, आर फेस, वाई फेस, ब्लू फेस। ब्लू फेस का भी ये देखना पड़ेगा, इंडिकेटर खराब हो गया है या कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑन इंडिकेटर है, ऑफ इंडिकेटर है, ऑन वाला भी ऑन पोजिशन में है। ये ट्रिप का है, ये स्प्रिंग चार्ज है तो चार्जिंग की कंडीशन में चलेगा। ये ट्रिप सर्किट हेल्दी के लिए है, ये डीसी सप्लाई हेल्दी, डीसी सप्लाई इसमें जो कंट्रोलिंग के लिए दी जाती है वो आ रही है नहीं आ रही। ये ब्रेकर इन टेस्ट, ब्रेकर को जब बाहर निकालते हैं उस कंडीशन में, और ब्रेकर इन सर्विस ऑन, ये मतलब अंदर जो वर्किंग कर रहा है या सर्विस की कंडीशन में है या नहीं है, उस समय ये इंडिकेटर हमारा ऑन रहेगा। ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है, इसमें एम्पियर आते हैं, पावर फैक्टर हो गया और वोल्टेज हो गए, ये 33.40 अभी आ रहे हैं। ये हमारा है, इसमें भी एम्पियर वोल्टेज, ये भी एम्पियर और वोल्टेज का ही है, ये भी, ये जो मीटर है। ये हमारा टीएनसी स्विच लगा है, ये हमारा ऑटो मैनुअल के लिए भी रोटरी स्विच लगा हुआ है, दिख रहे हैं ना वीडियो में। ये हमारा टेस्ट के लिए है, हाँ ये ऑन कंडीशन में तो अभी टेस्ट नहीं कर सकते, ये एक्सेप्ट के लिए है। अगर कोई फॉल्ट आता है पीछे से तो जब मोटर बजता है तो उसके लिए है, हम इसे रीसेट करके एसेट कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा मोटर हमारा, रीसेट इससे हो जाएगा। ये इमरजेंसी स्टॉप पे कुछ काम वगैरह करना है, ये मोटर के लिए लगा हुआ है। ये हमारी ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई है, ये मास्टर ट्रिप रिले है, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहले बीसीबी की सेफ्टी क्या क्या होती है। आप लोगों को पता है बीसीबी की सेफ्टी क्या क्या होती है? इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे को भी दिखा दिए, बता भाई आप बीसीबी की सेफ्टी क्या है? आप बताइए क्या है बीसीबी, कितनी बार ट्रेनिंग दी, आपको पता होनी चाहिए इसकी सेफ्टी क्या काम करती है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है कौन सी सेफ्टी काम करेगी आपको? अच्छा वही मैं बता रहा हूँ, एक बार समझ रहा है। इसमें जो मेन जो सेफ्टी होती है हमारी, वही लगभग एसीबी में होती है, वही बीसीबी में सेम सेफ्टी है। इसमें होती है हमारी ओवर करंट, ओवरलोड रिले, ओवरलोड इस पे पैनल में, जैसे इसकी कैपेसिटी है कितने उसका है, कितने एम्पियर का, 1250 एम्पियर का ये, इधर से दिखा दो, ये इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कितने एम्पियर का है, एबीबी कंपनी का है। ये हमारा हैंडल है, ये ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है, ये ऑन है तो अभी ऑन की दिखा रहा है कंडीशन, ठीक है। ये कंट्रोलिंग वायरिंग के वायर जा रहे हैं इसमें कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। अभी इसमें क्या सप्लाई चालू है तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हम छेड़छाड़ करेंगे। इसकी जो सेफ्टी है, ओवर करंट रिले होगी एक हमारी होगी अंडर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। इसमें वोल्टेज मतलब उससे ज़्यादा ना जाए, जैसे 33,000 का है तो उसके हिसाब से इसमें सेटिंग होगी। एक होगी हमारी अर्थ फॉल्ट रिले, एक होगी हमारी शॉर्ट सर्किट, किसी प्रकार शॉर्ट सर्किट होने पर जो इसको ब्रेकर वो ब्रेक करेगी। आइए अब हम देखेंगे यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है किस किस तरीके से यहाँ से सप्लाई जा रही है। सबसे पहले हमारी 33 केवी की जो सप्लाई आ रही है इस ब्रेकर में इन हुई, इसके बाद हमारी ट्रांसफार्मर में जा रही है जो 6000 केवी का है, उसके बाद 33 से 11 केवी बनने के बाद फिर हमारी सप्लाई यहाँ से इनकमर वन है, यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगेंगे। ये ट्रांसफार्मर यहाँ से जाएगी, अच्छा ये ट्रांसफार्मर वन में, ये क्या मेन इनकमर हो गया, इधर देखो
ये हो गया मेन इनकमर, यहाँ से सप्लाई जब इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसको जब हम ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई ट्रांसफार्मर नंबर एक में जाएगी, और इसको जब हम ऑन करेंगे तो ट्रांसफार्मर नंबर दो में जाएगी, ठीक है। ऐसे ट्रांसफार्मर के आउटपुट हमारे 11 kV में उतर आएगा, ठीक है। ये दोनों 6000 kV, तो दो ट्रांसफार्मर लगे यहाँ पे 6000 kV का, एक नंबर और दो नंबर, इन दोनों के क्या है 33 से 11000 सप्लाई हमारी बना रहे हैं। ये दो ट्रांसफार्मर लगे 33 से 11 के लिए। अब हम आइए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं पैनल में आ रही है। उसके बाद हमारी ये इनकमर वन है, ट्रांसफार्मर इनकमर वन, ये नेक्स्ट प्लेट भी लगी होती है, कहीं पे कलर कोडिंग भी होती है, यहाँ पे कलर कोडिंग भी है। तो ये नेम प्लेट से यहाँ पे देख लेंगे, इनकमर ट्रांसफार्मर नंबर वन लिखा है, लेकिन इनकमर नंबर टू ये नेम प्लेट पे लिखा हुआ है। इसमें भी सही सभी वही सेफ्टी है, वही ये TNC स्विच, ये एमरजेंसी स्विच, वो रिले वगैरह, ये इंडिकेटर सभी वही है, इंडिकेटर्स भी वही है, तीनों फेस के हो गए, ऑन ऑफ का हो गया सारे। ये मीटर है, मीटर एम्पियर वोल्टेज और हमारा पावर फैक्टर, ये सब चीज़ें इसमें नोट होती हैं। इसके बाद हमारी दूसरे ट्रांसफार्मर का इनकमर नंबर दो लगा है हमारा, ये वाला दो नंबर ट्रांसफार्मर है। इन दोनों के बीच में कहीं भी दो इनकमर हो, दो चाहे DG के हैं चाहे ट्रांसफार्मर के, इसके बीच में एक बस कपलर लगा हुआ है, ये हमारा बस कपलर लगा हुआ है। अगर मान के चलो हमें दोनों ट्रांसफार्मर पे लोड चलाना है, इधर के ट्रांसफार्मर पे और इधर से दोनों पे हमें लोड चलाना है, तो बीच का हमारा ये जो बस कपलर है ये ऑफ पोजीशन में होना चाहिए। अगर मान के चलिए हमें एक ही ट्रांसफार्मर पे लोड डालना है इस ट्रांसफार्मर पे, ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑन करके उसके बाद बस कपलर हम ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले इंश्योर कर लेंगे कि ये हमारा ऑन पोजीशन में तो नहीं है दो नंबर ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि 11 kV के लिए दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और तीन DG सेट लगे हुए हैं। यहाँ पे DG इनकमर है, एक तो ये लगा हुआ है DG नंबर वन, एक DG नंबर दो और एक DG नंबर तीन उधर है, एक बार दिखा दो, ये नहीं आ रहे, वो तीन दो उधर है, इधर दिखा दो। अब यहाँ पे क्या है जो मेन जो दिक्कत लड़कों को आती है, यहाँ पे एक नंबर और तीन नंबर DG, ये एक और तीन नंबर DG सिंक करके इनको PLC के द्वारा सिंक्रोनाइजिंग में, जब इसकी फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज सेम हो जाते हैं उसके बाद सिंक करके दोनों का लोड एक जगह डाला जाता है, और दो नंबर DG का हमारा इधर इनकमर लगा हुआ, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट है या कुछ पूछना है किस तरीके, आ जाओ इधर आ जाओ, आप आगे आओ, किसको दिक्कत आ रही है ऑपरेट करने का, किस तरह की परेशानी आ रही है आपको। सबसे पहले हमारा जैसे अभी सप्लाई चली, ठीक है, पहले दोनों ब्रेकर चेक करेंगे हमारे प्रॉपर ऑफ हुए या नहीं हुए, अंडर वोल्टेज रिले इसमें काम करेगी तब तो ये ऑफ होगा। इसमें क्या है, अंडर वोल्टेज रिले तुम्हारी लगी नहीं हुई है, नहीं लगी है ना अंडर वोल्टेज रिले, जो कि एक दो में नहीं है मुझे बताया, तो ब्रेकर में नहीं। अगर अंडर वोल्टेज रिले होगी काम कर रही है वो, तो ये ब्रेकर को ऑफ कर देगी, अगर नहीं लगी है तो ब्रेकर को सबसे पहले मैनुअली हमें ऑफ करना है ट्रांसफार्मर वाले को, ट्रांसफार्मर वन ट्रांसफार्मर टू और बस कपलर को भी, तीन ही चीज़ है ना यहाँ पे, इन तीनों को ऑफ करके सबसे पहले हमें मैनुअली DG को ऑन करना है, ठीक है। मैनुअली कहाँ से ऑन होता है, मैनुअली हमें पहले यहाँ से ये मैनुअल मोड पर डालना है, ये ऑटो और मैनुअल के लिए ये लगा हुआ है स्विच, इससे इसको मैनुअल मैनुअली करके दो नंबर मैनुअल हो जाता है, एक नंबर को ऑटो, एक तो मैनुअल, हाँ ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद जो हमारा DG का जो मेन इनकमर है, DG का मेन इनकमर हमारा यहाँ पर है, ये जो हमारे PLC का वो है, जो भी ये PLC लगी हुई है हमारी, तो यहाँ से हम यहाँ से ऑटो मैनुअल करेंगे, ये हमारी दो नंबर का ऑटो में यहाँ पे एक नंबर पर मैनुअल हो जाएगी, तो PLC के यहाँ पर दो सिस्टम दे रखे हैं, दोनों ही अभी मैनुअल कर देंगे, एक नंबर दोनों ही DG के लिए ना है, हाँ। दो DG के लिए PLC हाँ। लगा है, इसमें दोनों स्विच को इसको एक नंबर पे करेंगे, इसको भी एक पे करेंगे, तो मैनुअल स्टार्ट हो जाएंगे हमारे DG, ठीक है। स्टार्टिंग की कमांड जो हमें देनी है वो यहाँ से देनी है, यहाँ से ये DG नंबर वन के लिए है, यहाँ DG नंबर तीन के लिए, और ये तीन नंबर DG के लिए, इन दोनों को ऑन कर देंगे, उसके बाद PLC के वहाँ से नहीं चाहिए यहीं से, हाँ फिर इन दोनों को सिंक कर देंगे हम, ठीक है। तो आपके इधर उधर
वहां से सिंक करने के बाद हमारी सप्लाई आएगी इस इनकमर में जो यहाँ पे लिखा है टीजी नंबर 1+3। इसको ब्रेकर को हम ऑन करेंगे टीएनसी के द्वारा, ठीक है, टीएनसी से ही काम कर रहे हैं ना ये, टीएनसी से ऑन करेंगे तो इधर के पूरे पार्ट में हमारी सप्लाई चली जाएगी। अब बात करते हैं हम डीजी नंबर 2 की। दो नंबर डीजी को इनकमर से वहां से ऑन होगा ये। दो नंबर डीजी का जो कंट्रोलर लगा है इधर साइड में, दो नंबर डीजी जो हमारा ऑन होना है वो यहाँ से ऑन किया जाएगा। यहाँ से ऑन करने के बाद इसकी सप्लाई उधर हमारी इनकमर में जाएगी। मेन इनकमर वो है बीसीडी लगी हुई है इसकी इधर, तो इसकी सप्लाई डीजी नंबर 2 में जाएगी, डीजी नंबर 2 के इनकमर में। तो वहाँ से हमें सेकंड डीजी स्टार्ट करना है। तो आपकी आई होप आपकी समझ में सारा कुछ आ गया होगा कैसे हमें डीजी जो मैनुअल चला रहे हैं तो उसको कैसे ऑपरेट करना है। एक नंबर और तीन नंबर को पहले, सबसे पहले क्या है, जब भी सप्लाई जाएगी सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर के दोनों इनकमर ऑफ हुए हैं या नहीं हुए हैं तो आप उसको मैनुअली ऑफ कर दें और बस कपलर भी ऑफ कर दें। उसके बाद डीजी नंबर 1 और डीजी नंबर 3 को पीएलसी के थ्रू वहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सप्लाई हमारी आएगी इनकमर में, डीजी इनकमर में। डीजी इनकमर ऑन करेंगे तो हमारे एक पार्ट में इधर की सप्लाई चालू हो जाएगी। उसके बाद दो नंबर डीजी हम ऑन करेंगे, दो नंबर डीजी भी इसको मैनुअली ऑपरेट करने का ये सिस्टम है ये पूरा। दो नंबर डीजी को जब हम ऑन करेंगे तो उसकी सप्लाई दूसरे पार्ट में चली जाएगी। ठीक है भाई, और कोई कन्फ्यूजन? ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।